सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज भी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ पॉइंट हैं। वीडियो में हमेशा की तरह लास्ट तक बने रहिए, और अगर पहली बार भाई हमारे चैनल पर आए हैं तो जरूर जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन जो है सबसे पहले मिल सके। नोटिफिकेशन आपको जैसे ही आएगा तो आपको तुरंत वीडियो जो है देखने को मिलेगा। तो इसीलिए प्लीज जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए। और आज यहाँ पे कुछ और हम डिस्कशन करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, उसमें जैसे कि हमारा प्रोफाइल है उसमें हम क्या क्या एडिट कर सकते हैं, क्या करना हमें चाहिए, और साथ ही साथ जो है हमारा अभी किस प्रकार से जो है हमारे OES में प्रोडक्ट लाइन अप हो रहे हैं, और इसके साथ ही साथ जो है कुछ पॉइंट और जैसे वेबिनार वगैरह के लिए। तो वीडियो आखिर तक आप जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो हम यहां पे थैंक यू बोलेंगे हमारे जो गुशविंदर ढिल्लन सर को है, ताकि उन्होंने जो वीडियो बनाया था, जो सबसे पहला वीडियो बनाया था कि आई एम स्विचिंग टू कनेक्ट, ये इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि ये वायरल हो गया, और बाद में और वीडियोस बनाने पड़े, और कई लोगों ने अपने अपने वीडियो बना करके जो है शेयर करें, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड वाइड में। तो ये इतना ज्यादा वायरल हुआ है कि सब लोगों ने अपने वीडियो बना करके जो है अपना जो खुशी जाहिर की है वो कनेक्ट के प्रति। तो थैंक यू गुशविंदर ढिल्लन सर, आपने इतना बढ़िया एक सोच के साथ में एक वीडियो बनाया था, उसके बाद में कई लोगों ने जो वीडियो बनाया, क्योंकि लोग सभी एक्साइटेड हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा वायरल हुए हैं। तो आपने भी कहीं ना कहीं बना रखे होंगे, कहीं ना कहीं आपने शेयर भी किया होगा, क्यों? क्योंकि आप सुपर एक्साइटेड है भाई, क्योंकि हम एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है जो पूरी दुनिया में छाएगा, वो है वो कनेक्ट। तो उसको लेकर के एक्साइटेड है भाई। इसमें कितने आएंगे लोग, उतने कस्टमर आएंगे, ये तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल में हम इतने सारे ऑलरेडी यहां पर फाउंडर ही हैं कि उसको इतना ज्यादा हम लोगों ने वायरल कर दिया है वो कनेक्टो। तो थैंक यू वेरी मच मिस्टर गुशविंदर सिंह ढिल्लन सर। और अब यहां पे हम एक चीज और बात करेंगे कि भाई हमारा जो अभी एक पॉइंट और है कि भाई वेबिनार जो है कब तक होगा। देखिए, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं ऐसी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन डेफिनेटली हमारा एक दो दिन में, तीन दिन में जो है वेबिनार फुली होने के चांसेस है। तो बैक ऑफिस में आप अपडेट लगातार देखते रहिए, जैसे कि मैं हर बार बोलता हूं, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं आप बैक ऑफिस में भी चेक करते रहा करिए, कभी भी जो है वेबिनार को लेकर के अपडेट वहां पर आ जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट हमारा वेबिनार होने वाला है, क्योंकि यहां पर लोग काफी सारे आएंगे, और उम्मीद यही है जिस तरह से बताया जा रहा है कि शायद हो सकता है कि जो इंडियन टाइम 10:30 रात को होता है वो थोड़ा जल्दी हो, शायद 8-8:30 के समथिंग इंडियन टाइम के अनुसार हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है कनेक्ट हो सके वो कनेक्ट में, और हमारा जो टेस्टिंग बोल सकते हैं या वो कनेक्ट में ज्यादा से ज्यादा लोग जो कनेक्ट होंगे, ताकि हमें पता चले कि यार कितने लोग और हम इसमें ले सकते हैं। हालांकि इसकी कैपेसिटी तो 1-2 लाख के समथिंग होगी, लेकिन फिर भी ज्यादा से ज्यादा लोग इसके अंदर आइए जब भी हमारा वेबिनार होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिस तरह से आप OES में देख रहे हैं, OES में जो प्रोडक्ट है आप देख रहे होंगे कितने बढ़िया वो लाइनअप है, मतलब डैशबोर्ड पर आप जैसे ही जाते हैं वहां पर आप देखेंगे हमारा ओमेल है, वहां पर ओमेल दिखा रहा है, ओ ट्रिम बता रहा है, ओमेल बता रहा है। लेकिन अभी एक प्रोडक्ट और है जिसके लिए हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वो कनेक्ट। पहले कभी वो कमिंग सून दिखाया करता था, लेकिन वहां से फिर वो हट गया है। लेकिन अब जब भी हमारा OES के अंदर वो कनेक्ट इंटर होगा, जैसे ही वहां पर आएगा, तो भाई हमें जो है ये मान के चलिए पूरी तरह से रेडी होगा, तभी वहां पर दिखाई देगा। मार्केट प्लेस वगैरह में आप देखेंगे तो अपकमिंग प्रोडक्ट में जो नेक्स्ट बता रहा है वो हमारा वो कनेक्ट है, और फिर उसके बाद में जो दिखा रहा है वो है वो ट्रैकर। तो शायद हो सकता है वो कनेक्ट और वो ट्रैकर लगभग साथ में ही आ जाए। और उसके बाद एक चीज बहुत अच्छी आती है, वो आ रहा है हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट ओ ब्लेस। तो इस बात को जरा समझिए आप, मतलब ओ कनेक्ट और उसके बाद में ओ ट्रैकर आ रहा है, उसके बाद में ओ ब्लेस आ रहा है, इसका ये मतलब है भाई कुछ ना कुछ तो होने वाला है, कुछ जबरदस्त होने वाला है। क्योंकि हम ब्लेस जो है ओ ब्लेस में तभी तो डोनेट कर पाएंगे जब हमारे पास कुछ जो है बोल सकते हैं कि क्रेडिट वगैरह जनरेट होगा। तो इस बात को जरा समझिए, अपकमिंग प्रोडक्ट्स पे भी नजर बनाए रखिए OES में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और है यहां पर कि बहुत से लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि हम OES में, मतलब ऑन पैसिव इको सिस्टम में क्या चीजें हम चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड वगैरह या जो भी उसमें एडिटिंग करना चाहें तो क्या क्या कर सकते हैं। तो कई लोग तो वहां तक पहुंच चुके हैं, किए भी हैं, लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया, अगर सब कुछ परफेक्ट है तो कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप जाते हैं OES में, क्लिक करते हैं, वहां पर आप जाएंगे प्रोफाइल में, मतलब जहां पे आपका अपने आई थिंक फोटो लगा रखा होगा या जहां भी आपका नाम बता रहा है, वहां पे क्लिक करेंगे कर्सर रख के, तो वहां पे प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा। प्रोफाइल में जाइए, वहां पर आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो चेंज पासवर्ड,
ऊपर ऑप्शन आता है चेंज पासवर्ड का, आप जाइए क्लिक कीजिए, आप वहां पे अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अगर आपको अभी का पासवर्ड अच्छा नहीं लग रहा है, मजेदार नहीं लग रहा है, कुछ और सेफ्टी के साथ आप करना चाहते हैं, तो उसको जो है क्लिक कीजिए और चेंज पासवर्ड में पहले आपका पुराना पासवर्ड वहां पे मांगेगा, उसके बाद में आपका जो नया पासवर्ड होगा वो दो बार मांगेगा, तो दोनों बार वो डाल दीजिए जो आप बनाना चाहते हैं, उसके बाद उसे सेव कर देंगे तो आपका पासवर्ड भी जो है आप नया जनरेट कर सकते हैं। अगर आपका ऑलरेडी बना है तो कोई जरूरत नहीं आपको बार बार चेंज करने की। और उसमें नीचे फिर आप जाएंगे तो उसमें दो तीन चीजें और है आप चेंज कर सकते हैं। वो सबसे पहले जैसा आपका नाम है, आपके नाम में कुछ भी स्पेलिंग में प्रॉब्लम है आपके, तो आप जो है स्पेलिंग भी चेंज कर सकते हैं, आपका नाम या सरनेम जो भी है वहां पर चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद में है आपका मोबाइल नंबर, अगर आपने अपना मोबाइल नंबर वहां पर डाल रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी डाला है तो डाल लीजिए, और अगर आपका मोबाइल नंबर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी वहां पर कर सकते हैं। और एक और जो है वहां पर चेंज करने का ऑप्शन वो बहुत बढ़िया है, वो है आपका कंट्री। कई लोगों ने जो है बाद में अपना जो है कई दूसरे लोगों से जो आईडी ली थी, मतलब कि जो ट्रांसफर करके ली थी, उसमें कई बार कंट्रियां चेंज है, मतलब किसी ने जो है कई और से पहले आईडी ली थी, वहां पर कंट्री कुछ और लिखी थी, वहां पर कुछ और कंट्री थी, आप चेंज करना चाहते हैं तो प्लीज अपना जो भी कंट्री है वहां पर डालकर जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो दो चार चीजें आप वहां पर चेंज कर सकते हैं, बाकी अपना आप ओमेल वगैरह जो है अल्टरनेट ईमेल वो चेंज नहीं कर सकते, अदरवाइज काफी सारी चेंज इसमें कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आपके लिए बड़ी काम की होती है, इसलिए मैं आपके लिए ये छोटे छोटे वीडियो लाता हूं ताकि आप तक इंफॉर्मेशन सही पहुंच सके।